डर और कोरोना की इस 9th एपिसोड में आप सबका स्वागत। और हम सब लोग अपना माइक ऑफ रखें, कैमरा जरूर ऑन रखें। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे सेशन में संजय आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर ना सर? ओके, आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बाकी अपने बारे में संजय जी आपको खुद बताएंगे। एंड मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने के लिए अगेन आपको मैं अपनी एक पीपीटी से कनेक्ट कर रहा हूं मैं आप सबको। एक स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस यस थैंक यू। इज इट फियर और कोरोना? इट्स अ लाइव सेशन, और हम ये लाइव सेशन जो है हम पिछले लगभग 1 महीने से कर रहे हैं। आज हमारा 9th सेशन है ये, और इस 9th सेशन के अंदर हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को ये समझाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डर जो है, कोरोना है या नहीं वो एक अलग विषय है, पर कोरोना से जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उनमें मुख्य कारण है फियर। एक डर हम सबके अंदर बैठा है, और जिस डर की वजह से हम सब लोग इस पैंडेमिक में अफेक्टेड हो रहे हैं। बहुत से लोगों का अभी तक और मानना है, ये कहना है कि ये है क्या नहीं है, एक्चुअल में अभी तक किसी को नहीं मालूम। सच बात तो ये है, इस पैंडेमिक में एक्चुअल में क्या है ये मेडिकल वर्ल्ड को भी नहीं मालूम। बस हाँ, चल रही है कहानी। और दूसरी बात, सेकेंड वेव में एक और बात ध्यान में आई हम सबके, के सेकेंड वेव में हमारे एक और बात ध्यान में आई कि जो प्रॉब्लम ऑक्सीजन की हमने पिछले कुछ दिनों पहले फेस की वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में ही थी, बाकी देशों में ये समस्या नहीं थी। अब इसके पीछे क्या कारण रहा है, क्या कारण हो सकता है, उस विषय पर जाना जाने का कोई फायदा नहीं है। हम शुरू से एक बात ये भी कहते आ रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिस कॉन्स्पिरेसी में हम लोग फंस चुके हैं। अब आज का सवाल हमारा ये है कि आज हम उस कॉन्स्पिरेसी पर कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं वो कैसे बचें, हम कैसे सेफ रहें, और हम अपने परिवार, अपने दोस्त मित्र, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, हम उन सब की क्या हेल्प कर सकते हैं, मुद्दा ये है। ये ज्यादा अहम है कि हम किस तरह से लोगों की हेल्प करें। सो देह धरे के रोग हैं सब काहू को होए,
ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोग। डेथ रेट पिछले 10 साल का आप देख सकते हैं, 2020 का भी और 2021 का अब तक का, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, 2012 से लेकर डेथ रेट हमारा बढ़ा नहीं है। भले ही हम जितना मर्जी कह लें कि कोरोना की वजह से डेथ हुई है, पर वास्तविकता ये नहीं है। ईश्वर ने हम सबके लिए एक सिस्टम बनाया है, एक ऊर्जा सिस्टम बनाया है, जिस ऊर्जा सिस्टम में हम सब पृथ्वी से, जल से, वायु से, हम हर इस एक ऐसा सिस्टम है ईश्वर का बनाया हुआ, जिसमें हम सब प्राणी, प्राणियों में हम भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, और एनिमल्स, पेड़ पौधे, जीव, सभी जीव उसमें आते हैं। उन सब जीवों का जीवन व्यवस्थित चले उसके लिए एक प्राण वायु होती है। वो प्राण वायु किसी मेडिसिन से क्रिएट नहीं की जा सकती। अब वो प्राण वायु किस तरह से काम करती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते। मैं एक इस वीडियो के द्वारा आपको पहले ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उस प्राण वायु एक्चुअल में होती क्या है, पहले ये जानते हैं। आइए मैना मैडम का ये वीडियो देखते हैं। हेलो ऑल, वो कौन लोग होंगे जिनको ये करंट पैंडेमिक जो सिचुएशन है हमारे दुनिया पे अब, वो अफेक्ट नहीं करेगी, वो वायरस अफेक्ट नहीं करेगा या मिनिमम अफेक्ट करेगा? ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर किसी को ये चीज़ इन्फेक्ट नहीं करने वाली है। तो वो कौन ब्लेस्ड लोग होंगे जिनको ये पैंडमिक, ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम वो कैसे हो सकते हैं? ये जो हमारी सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, ये गवर्न्ड होती है, ये चलती है लॉज ऑफ यूनिवर्स, लॉज ऑफ एनर्जी के हिसाब से। अब ये लॉ ऑफ एनर्जी समझने के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एनर्जी हमने तो कभी देखी नहीं है, हमको तो पता नहीं है। देखिए, हम वो बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमने देखी नहीं है, पर बिकॉज वो यूज़ में हमने यूज़ करना सीख लिया है, हम यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हमने देखी नहीं है, हमको ये पता है कि उसका यूज़ कैसे किया, एसी कैसे ऑन करते हैं, आपका टीवी कैसे ऑन कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। सोलार पावर कैसे बनता है हमको नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि सोलार पावर, सूरज से एक रोशनी आती है जो सूरज की किरणों से हम उसमें से कैसे बिजली बना सकते हैं और उसको हम कैसे अपने घर पे या कहीं पे भी ऑफिसेज में यूज़ कर सकते हैं, हमने वो सीखा है, हमने वो देखा नहीं है। सोलर पावर हमने देखा नहीं है। वैसे ही वाईफाई हमने देखी नहीं है, वाईफाई क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हमारे घर तक उसका वाईफाई राउटर में वो आता है, हम सीख गए कि वो कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारी यूनिवर्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी है वो है कॉस्मिक एनर्जी, वो लाइफ फोर्स एनर्जी, वो प्राण शक्ति जो हम सबको चलाती है। एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहूँ, प्राण शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी का आना बंद तो हम ऑफ, खत्म। तो हमें ये समझना है कि आखिर ये प्राण शक्ति, हम ये कॉस्मिक एनर्जी हम एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, हमारे पास आती कैसे है। ये समझ लीजिए कि हम वो वाईफाई का राउटर हैं, पहले ये तो समझें कि हम वो एनर्जी आती कैसे है, फिर ये समझें कि हम अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं कि जैसे वो एनर्जी और ज़्यादा आए। जितनी बार हमें एक थॉट और इमोशन आता है, हम दिन में हमको 60,000 थॉट्स आते हैं, जितनी बार वो थॉट और इमोशन हमारे मन में आते हैं, हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन एमिट होती है, एक स्पंदन हमारे अंदर से आता है जो एक तरह का एक एनर्जी फील्ड हमारे आसपास बना देता है। इस फील्ड को ऑरा कहते हैं। तो जो ये ऑरा होती है वैसी ही सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में ला लेते हैं। ये हमारा वो मीटर है जिसके हिसाब से हमारी लाइफ में चीज़ें चलती हैं। हमारे लाइफ में अच्छा पैसा उस हिसाब से होता है, अच्छे लोग उस हिसाब से होते हैं, अच्छी हेल्थ हमारी उस हिसाब से होती है, और सेम वही अगर बुरा है तो भी इसी फील्ड के हिसाब से। अगर आपकी फील्ड सही नहीं है तो बुरे लोग और बुरी सिचुएशंस, बुरा हेल्थ, बुरे फाइनेंसेस, ये सब उसी का प्रोपोर्शनल अमाउंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर ये ऑरा मैनेज कैसे होती है, ये एनर्जी मैनेज कैसे होती है। आज का सबसे हॉट टॉपिक ये है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें कि हमारी ये एनर्जी उस लेवल पे रहे
कि हम इम्यून रहे, हमारी एनर्जी फील्ड हमारे आभा मंडल के अंदर कुछ भी वैसा ना आए जो हमारे लिए नेगेटिव हो। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इम्यूनिटी इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो और चार पीज इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पी अल्फाबेट, प्रोटेक्शन का फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पी है प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना। जब आपकी भावना शुद्ध है तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई होती है। शुद्ध भावना का मतलब मैं भी जीतूं, दुनिया में हर कोई जीते, विन विन सिचुएशन। जितना हम ज्यादा शुद्ध भावना का उपयोग इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखिए पहले इनिशियली हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं स्कूल डेज में ये सिखाया गया कि अगर मैं फर्स्ट आऊं तो किसी को सेकेंड आना है। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर सब ठीक है, सब नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी फर्स्ट आ जाएं, क्या हो गया? ये जो विन एंड लूज की हमको फॉर्मूला बताई गई ना, उससे हमको ऊपर आना है। और आज का सिचुएशन भी वो है कि हमको किसी को भी नहीं चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर वायरस हो, इवन द पर्सन जिसके साथ हमारी नहीं बनती है ना उसको भी ना हो, क्योंकि अगर एक को भी है तो सबको होने का फिर चांस है। तो प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना, फर्स्ट पी ऑफ प्रोटेक्शन। सेकेंड, पॉजिटिव माइंड सेट। अब पॉजिटिव माइंड सेट के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, अच्छा ही अच्छा सोचो, बस हज़ार तरह के फियर्स हैं हमारे अंदर, अच्छा ही अच्छा सोचें कैसे, करेक्ट है, मैं एग्री करती हूँ, पर अगर वो फियरफुल होने में, अगर वो डरने में हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारी ऑरा कम हो रही है, हमारी वो फील्ड कम हो रही है, अगर ये इक्वेशन, ये कैलकुलेशन हमको समझ आ गया, तो हमारा ये डेफिनेटली काम बनता है कि हम ये डिसाइड करें, हम ये सोचें कि इसको चेंज कैसे करना है, इसको शिफ्ट कैसे करना है। शिफ्ट कैसे करना है? शिफ्ट आप इजीली, सबसे इजीएस्ट चीज़ आपका पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए है कि जब भी आप किसी चीज़ से डर रहे हैं राइट नाउ, अगर ये डर है कि ये आके मुझे पकड़ लेगा, तो अपनी वो ग्रैटिट्यूड, अपने वो शुक्र याद कर लीजिए कि आपके साथ लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है। एक दो तीन चार चीज़ें भी अच्छी हैं ना, उसको रिपीटेडली याद कीजिए। ये आपका जो ऑरा है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो इन्हांस करके रखेगा। एक बड़ी ऑरा एक बहुत बड़ा रक्षा कवच होता है। तो ये हमारा बिल्कुल दायित्व है, बिल्कुल ही हमारा ड्यूटी है कि हम इन्हांस करके रखें अपना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जितनी बार आप इस चीज़ का शुक्र करेंगे कि थैंक यू गॉड मेरे साथ ये अच्छा हुआ था, कभी को हुआ था डजेंट मैटर, आज आप याद कर लीजिए, बार बार याद कीजिए। जितनी बार याद करेंगे, देखिए 60,000 थॉट्स हैं, उसमें से आप अगर तीन चार ग्रैटिट्यूड भी अगर फिर याद करते हैं ना, आपकी इन्हांस्ड इम्यूनिटी हो जाती है। थर्ड, प्राणायाम। ये तो मेडिकल साइंस ने भी माना है कि जितनी इनहैंस लंग कैपेसिटी होगी, ज्यादा आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। लंग कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे यही ऑप्शन है कि अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है तो अभी आप प्लीज अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। प्राणायाम वही होता है, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपाल भाती हो गया, दो तीन पिक कर लीजिए दिन में, दो तीन बार कीजिए। जब बुखार ज्यादा होता है, प्राणायाम आप खाना खाने बैठते हैं उससे पहले थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। और फोर्थ, प्रेयर वो भाषा है जो आप अपने जिसमें भी आपका विश्वास हो आपको उस डर से बाहर निकाल लेगा। तो कलेक्टिव प्रेयर्स डेफिनेटली हमारा ऑरा बहुत बढ़ा देता है, हमारी वो एनर्जी फील्ड बढ़ा देता है, कॉस्मिक एनर्जी का इनफ्लो हमारे अंदर बढ़ा देता है। प्रोटेक्शन के लिए चार पीस, फर्स्ट इज आवर पॉजिटिव माइंडसेट, प्योर इंटेंशन, प्राणायाम एंड प्रेयर्स। वी हैव टू डू इट सो दैट हम वो ब्लेस्ड बंदे हैं जिसको ये पैंडेमिक अफेक्ट नहीं करेगा। या टेक केयर, थैंक यू। वरदनायक उपनिषद, हमारे शास्त्रों में वरदनायक उपनिषद ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि आप वे हैं जो आपकी गहन इच्छा है। प्लीज किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अगेन मैं मुझे वापस
तो वरदरायक उपनिषद कहता है कि जैसी आपकी इच्छा है वैसे ही आपके कर्म हैं, और जैसे आपके कर्म हैं आकांक्षाएं हैं वैसी आपके कर्म हैं, जैसे आपके कर्म है वैसा आपका भाग्य है। हमारे शास्त्र हमारे उपनिषद भी यही कहते हैं कि हम सबको हमारे भाग्य में जो कुछ भी मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। प्लीज किसी का माइक ऑन है अपना माइक ऑफ कर लीजिए। और दोस्तों बचपन में अपने बड़े बूढ़ों से अपने बुजुर्गों से हमने एक बात सीखी थी कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, जिसका समय आ गया उसको जाना है। अब हम कहते हैं कोविड के कारण गया, सो किसको दोष दोगे, भगवान को, समय को, कोविड को, सरकार को या सिस्टम को? पिछले साल मैंने भी अपना एक खोया था, इस साल भी मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ हुई है, पर किसको दोष दें? जब इस जीवन की यात्रा में आना और जाना ईश्वर के हाथ है तो फिर मौत का डर क्यों? मेरे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि डर और कोरोना, हम लोग जितने भी लोगों की एडमिट हैं या जितने लोगों की डेथ हो चुकी है या वो इस डर में हैं कि कोरोना हो गया तो नहीं बचेंगे। दोस्त कोरोना हो या ना हो बचना तो है। सो इस डर से निकलें कि डर की वजह से एटलीस्ट कोरोना तो नहीं हो रहा। और सच क्या है, सुप्रीम पावर नेवर राइट्स नेगेटिव इन अवर लाइफ। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा ही कर्म, हमारा ही हमने ही वो सब किया है, जो गलत है वो भी और जो अच्छा है वो भी। मैं वापस आ रहा हूं हमारे साथ, क्योंकि आज हमारे पास हमारे स्पीकर ज्यादा हैं और समय थोड़ा लिमिटेड रहता है। आज हमारे साथ संजय आहूजा जी हैं, तो और संजय आहूजा जी ने हमें अपना समय दिया है, बाद में एक सेकंड प्रोग्राम में उनको जल्दी भी जाना है, तो मैं चाहूंगा कि संजय जी आगे की बातचीत आप करें। संजय जी स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने वीडियो दिखाया अभी अनिल जी। जी जी, और जितना कि मैं देख रहा हूँ आप जिन चीजों पे काम कर रहे हैं वो आज के समय की बहुत जरूरत है, और क्योंकि हम लोग तो भारत में हमने जन्म लिया है, और मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं दुनिया भर की पुस्तकें मैं पढ़ता रहता हूँ जो इंटरनेशनल लेवल की हैं, स्पिरिचुअल हैं, बहुत सारी चीजें, तो मैं ये देखता हूँ कि जितनी भी ज्यादातर नॉलेज हमें स्पिरिचुअलिटी की आज दुनिया से वापिस मिल रही है अंग्रेजी में, वो मुझे सारी मैं देखता हूँ हमारी भारत की है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, हम कुछ साइंटिफिक रिसर्च को हो सकता है कि हमने वो गणित और वो बहुत अच्छे नाम साइंटिफिक वगैरह ये अभी आ रहे हों, बट अल्टीमेट थिंग्स आर फ्रॉम अवर कल्चर ओनली। करेक्ट, जैसा कि आपने अभी आपने उसमें दिखाया, वीडियो में भी दिखाया और बाद में उसके बाद एक स्लाइड में दिखाया, हमारे वेदों में हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बहुत गहन चीजें दी जा चुकी हैं ऑलरेडी। अब गड़बड़ क्या है, व्हाट आई फील कि एक तो क्या है, हमारी भाषा से हम बिछड़ गए हैं, तो हमारी जो आजकल की जनरेशन है, इवन माई सेल्फ, मैं अपनी बात करूं तो मेरी एज अभी अराउंड 50 होने वाली है, तो हम भी जो है ना, हमने भी वो ABCD पढ़ी है बचपन में, हमें भी ABCD पढ़ाई है, तो हम संस्कृत से तो कोसों दूर हैं। हिंदी भी हमें जो पुरानी हिंदी थी, अगर हमें पुरानी हिंदी की पुस्तकें मिल जाए तो मुझे भी पूरी समझने के लिए बहुत इधर उधर से ढूंढना पड़ता है, और मेरे बाद की जनरेशन की तो बात ही क्या करें हम। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा समय लेना चाहता आज आपका, तो नहीं, आप पूरा अपना समय लो सर, जो आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है कि हमें अल्टीमेट एक ही चीज पे आ जाएंगे घूम फिर के कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जी। और जैसा कि हम सब एक्सपर्ट लोग बात करते ही रहते हैं, धर्म धर्म एक अलग चीज है और आध्यात्मिकता एक अलग चीज है, और या यूं कहें कि जो अच्छे ढंग से प्योरली जो धर्म को अगर समझेंगे तभी हम
आध्यात्मिकता को भी समझें। और दूसरी चीज है, अब अभी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें भी एक ही वर्ड है, मैं भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ता रहता हूँ, कोर्स करता रहता हूँ एक्सपर्ट से, तो एक ही चीज है, हमारा माइंड नहीं जानता इस बीमारी का नाम क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा क्या है, वो कुछ नहीं जानता। उसको तो सिर्फ एक ही चीज पता है कि रोग प्रतिरोधक अक्षमता मेरे अंदर जितनी होगी, मैं वो कोई भी बीमारी का नाम कोई भी रखते रहो, कुछ भी करते रहो, वो सबको मैं काउंटर कर लूं। ठीक बात। तो वो हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे मेंटेन करनी है वो सब नहीं कहीं सिखाया जा रहा, ये हम सीख नहीं रहे, हम भटक गए, भूल गए। और जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं सर्विस में 20 साल रहा हूं, आप जानते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूं कि 20 साल में हमें कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर, ऐसा कोई भाषण प्रवचन, कुछ भी ज्ञान नहीं दिया गया, एंड वी वर 100% फिट एंड फाइन। नाउ आल्सो हम आज भी फिट एंड फाइन है। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। हमारे साथ, हमारी टीम मेंबर में हमारे साथ ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी भी हैं, वो भी एयरफोर्स से ही हैं, रिटायर्ड हमारी टीम में। और पिछले जब से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, फर्स्ट एपिसोड से पूरी तरह हर एपिसोड में आपकी प्रेजेंस रहती है और आपकी गाइडेंस हमें हर बार नई गाइडेंस मिलती है जी। सो वी आर सो लकी कि हम जो है ग्रुप कैप्टन साहब को भी हमारे साथ अवेलेबल है यहाँ पे, और हमें उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो वाकई ही मैं जब अपनी सर्विस के बारे में सोचता हूँ 20 साल के, तो वहां पे जो हमें ऑफिसर्स कभी भी, मतलब वहां पे सब कुछ प्रैक्टिकल है, मैं खामखा कोई शब्द वहां होता ही नहीं। तो यानी कि कितना सरल है फिट रहना अगर हम, मैं तो कई बार बोलता हूँ जहां कभी मुझे मौका मिलता है, प्रोग्राम में बच्चों के लिए करता रहता हूँ कभी कभी स्कूल में, अभी फिलहाल तो स्कूल वगैरह बंद है तो ऑनलाइन चल रहा है, मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि हम सेना से, सर्विसेज से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम सीखते क्यों नहीं। एक सैनिक कैसे फिट रहता है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, उसका बिहेवियर क्या होता है दूसरों के प्रति, हमें तो सेना में कुछ नहीं सिखाया जाता है, वहां पे हम इन चीजों में उलझते ही नहीं है, कास्ट कल्चर रिलीजन। उस मामले में अगर हम देखें तो इसराइल बहुत बढ़िया है ना, जहाँ 2 साल बहुत जरूरी है फौज में रहना, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए सर हमारे यहाँ सिस्टम कुछ और है ना, हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जो फौजी आपको बचाता है उसी को पत्थर मारते हैं। यस, हमारे यहाँ कल्चर ये है, हमारे यहाँ कल्चर हमने ही वो बना रहे हैं। इराक से जो सैनिक अमेरिकन वापस गए हैं जी, जब वो एयरपोर्ट से निकल रहे थे, बड़े से बड़े अमीर लोग जो एयरपोर्ट पे फ्लाइट की वेट कर रहे थे, सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया राइट, चाहे वो एक सार्जेंट था, एक कॉर्पल था या एक ऑफिसर था। बिल्कुल। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि कश्मीर में अपनी शरीर का पुल बना के जिन लोगों को बचाते हैं उन लोगों को गोली मारते हैं, पत्थर गोली मार, राइट, बिल्कुल ठीक बात। और उन लोगों से हम सबूत मांगते हैं कि तुम पाकिस्तान में अटैक करके भी आए हो कि नहीं, करके भी आए हो कि नहीं, वो भी सबूत देना पड़ता है, ये फर्क है सर। जी जी प्लीज सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहाँ सब हम मैच्योर लोग हैं और हम सब समझ रहे हैं क्या खेल चलता है, सब समझ रहे हैं। और ये अच्छा है कि अभी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है और इन चीजों के उपाय किए जा रहे हैं, इन चीजों के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा अनिल नैयर जी कि जी। आप ये इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ेगी और बहुत लोग, बहुत चीजें सामने आएंगी जो आनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको फिर से धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इन्वाइट भी किया और बोलने का समय भी दिया। Right, और मैं चाहूंगा कि अब मैं आपको ज्यादा सुनूं तो मुझे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। नहीं नहीं, सब देखो ऐसा है सर, इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का पर्पस यही था कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि वन मैन शो रहेगा, नहीं, मेरा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं और आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं उस पर हम खुलकर डिस्कस करें और जो बेस्ट चीजें हो सकती हैं वो समाज को बताएं कि किस तरह से हम खुद स्वस्थ रहें। और क्योंकि मैं अल्टरनेट थेरेपिस्ट हूं और मैं वापस सबको पीपीटी पे कनेक्ट कर रहा हूं, सो लेट अस फेस द ट्रूथ, क्योंकि हम लोग कर ही अल्टरनेट थेरेपिस्ट होने की वजह से बहुत सी ऐसी
चीजें हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं बरसों से, और हमने बहुत से लोगों को बिना मेडिसिन के ठीक किया है। तो भ्रम भ्रम की दुनिया में हम रह रहे हैं, और यात्रा सबको भ्रम की ओर जाने की है। भ्रम भारी होता है, भ्रम में हम लोग नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं भ्रम में हूं तो मेरे साथ ये सब हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? ए साइड में हम देखेंगे फियर, स्ट्रेस, एंगर, ईगो, रिसेंटमेंट, टेंशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, लैक ऑफ मनी है, वायलेंट बिहेवियर हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं भ्रम में हूं। अब यात्रा अगर मेरी भ्रम की है और मैं भ्रम में हूं और ये डिजीज, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो इनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? हम बी साइड में देख सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर होगा, लो बीपी रहेगा, शुगर डायबिटिक भी हो सकता है, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम रहेगी, इम्यूनिटी बॉडी की लो हो जाएगी, इनडाइजेशन रहेगा, घबराहट होगी। आज के जो पेशेंट हैं उनको घबराहट क्यों हो रही है? उनको घबराहट इसीलिए हो रही है क्योंकि कोई ना कोई और मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं, उनके अंदर जबरदस्त फियर है। डर डर की अगर हम बात करें, फियर की अगर हम बात करें, तो फियर के कई चेहरे होते हैं। फियर कोई एक चीज का नहीं होता, इंसान के अंदर किसी भी चीज का डर हो सकता है। स्ट्रेस हमें कोई नहीं देता, हम खुद ही इनवाइट करते हैं। सो ये सब चीजें अगर मेरे साथ हो रही हैं और मैं इनसे छुटकारा चाहता हूं, तो मुझे इनको छोड़ना होगा। हमारे साथ एक संजीव जी गुप्ता का वीडियो है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव गुप्ता फरीदाबाद से। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि देश विदेश में चारों तरफ कोरोना महामारी के डर ने, या हम कह सकते हैं कोरोना महामारी ने लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है, तो मैं आज आपके साथ में कोरोना महामारी का अपना अनुभव स्वयं का आपके साथ में आज साझा करना चाहूँगा। मैं भी अगस्त 2020 में कोरोना महामारी से ग्रस्त हो गया था। जब मुझे पता लगा कि मुझे कोरोना डिटेक्ट हुआ, मेरे को पता लगा कोरोना हो गया है, तो मेरे को भी एक बार को झटका लगा, मैं टूट गया। मेरे को लगा यार सब कुछ ख़त्म हो गया, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन फिर मैंने अपने मन को मजबूत किया, अपने अंदर से वो डर निकाला। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो परेशान हो जाएंगे और ज़्यादा बीमारी हावी हो जाएगी। तो मैंने मन को मजबूत करते हुए सबसे पहले न्यूज़ चैनल देखने छोड़े, क्योंकि उसमें बार बार कोरोना के बारे में जिक्र किया जाता था। कोरोना महामारी का हम जितना आपस में जिक्र करेंगे उतना हमारे ऊपर हावी होती रहेगी। हमारे को सबसे पहले तो उस चीज को छोड़ना है। दूसरा, हमारे को अपने मन को जितना हम डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ, एंटरटेनमेंट के चैनल देखें हम, ताश हम गेम खेल सकते हैं आपस में बैठ के, हम लिखने में अगर अभी रुचि है हमारी तो हम लिख भी सकते हैं कुछ भी चीजें। अगर हमारा कुछ मैगजीन पढ़ने में रुचि है तो हम मैगजीन पढ़ के समय व्यतीत कर सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं जिनसे हम मन को डाइवर्ट करके मन को मजबूत कर सकते हैं और हम कोरोना महामारी को मात दे सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि कोरोना महामारी का इलाज हम घर पे रह के कर सकते हैं। कोरोना कोई एक बड़ी बीमारी नहीं है, एक छोटी सी बीमारी है। बस यह है कि हमें उचित दूरी रख के दूसरे को संक्रमित होने से बचाना है, जिससे कि वो और ज्यादा ना फैले। अगर हमारे को कोरोना हो भी गया है तो हम घर पर रहें। दूसरी बात, रेगुलर हम 30 से 40 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, मास्क लगा के रखें, एक उचित दूरी जो संक्रमित नहीं है उससे भी और जो संक्रमित है उससे भी हम थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, जिससे कि संक्रमण फैलने की गुंजाइश ना रहे। तो दोस्तों, इस सब को मात देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें मन को अपने को मजबूत रखना पड़ेगा, कोरोना का डर निकालना होगा। और दूसरी बात, अगर घर पे रहते हुए अगर हमारे को ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है तो हम पेट के बल लेटकर, जैसे कि डॉक्टर बताते हैं कि पेट के बल हम 40 मिनट तक लेटे रहें, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अंदर बढ़ जाएगी, अपने आप लेवल में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि हम कोरोना का पता लगते ही घबराएं नहीं। कई बार कोरोना का टेस्ट भी नहीं करवाते, खांसी जुकाम हुई, बुखार हुआ और हम लोग ऑक्सीजन के लिए, एडमिशन के लिए भागना शुरू कर देते हैं, इधर उधर मारामारी करने लगते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचें। दूसरे लोगों में भी डर पैदा होता है और अपने अंदर भी डर से जो बीमारी आई है वो और ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है। तो मेरा यही मानना है दोस्तों कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने डर को, अपने
मन पर हावी ना होने दें, मन में विश्वास रखें, मन को मजबूत रखें और कोरोना महामारी को हम घर में रहते हुए मात दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा, एक बार जरूर मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि जैसे ही कोरोना महामारी का पता लगता है हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो लेते हैं, अच्छी बात है कि लेना भी चाहिए उसमें, लेकिन वो हमें किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। तो हमारे को आयुर्वेदिक में जैसे काढ़ा है, आज के टाइम बहुत गर्म रहता है और हम गर्मी का समय चल रहा है, हम बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करने के चक्कर में हम परेशान हो जाते हैं और उसके चलते हम काढ़ा बहुत ज़्यादा संख्या में पीने लगते हैं या कोई भी और भी आयुर्वेदिक नुस्खे जो हम घर में अपनाते हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा ज़्यादा संख्या में ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, जिससे कि वो शरीर को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। तो हमारे को उतनी ही मात्रा में हम उनका उपयोग करें जितना हमारी सेहत के लिए ठीक रहे। दूसरी बात, जो ऑलरेडी कोरोना से अलग दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं वो कृपया कोई भी नुस्खे अपनाने से पहले डॉक्टर से फ़ोन पे संपर्क जरूर कर लें, उनसे ज़रूर सलाह ले लें कि उसका क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। तो किसी भी दवाई का, किसी भी इलाज को शुरू करते वक्त डॉक्टर से सलाह एक बार जरूर कर लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू संजीव जी। So you cannot stop thinking about negative things, but also think positive. Think positive, positive affirmation, increase vibration, deep breathing and meditation. अगर हमें positive की तरफ जाना है तो हमें ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं कि think positive, positive affirmation हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप negative affirmation कर रहे हैं या दे रहे हैं, अब वो कैसे होती है मैं वो भी बताऊंगा, और अपनी वाइब्रेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग का क्या फायदा होता है। अब डीप ब्रीथिंग करनी है तो हमारे साथ पिछले सेशन में एक हमारे साथ योगा के टीचर थे जिन्होंने योगा में भी यही कहा था कि डीप ब्रीथिंग जरूरी है, लेकिन डीप ब्रीथिंग के लिए मास्क हटाना पड़ेगा। और मास्क पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि आने वाले पांच से सात सालों के अंदर हमारे देश में अस्थमा के पेशेंट कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि मास्क लगाने से ये प्रॉब्लम होने वाली है। खैर, वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन की तरफ अगर हम जाएं तो जो वायरस इस लेवल का होता है उसकी 5.5 हर्ट्ज का उसका वाइब्रेशन लेवल होता है और 25.5 हर्ट्ज के ऊपर वो मर जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि इस वायरस की उम्र 14-15 दिन है, बट हाँ 14-15 दिन में इंसान अच्छी तरह टूट जाता है। जिसकी लो वाइब्रेशन होगी उसके अंदर डर होगा, फोबिया होगा, संदेह, चिंताएं, तनाव, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ये सब चीजें जिसमें होंगी उसका वाइब्रेशन लेवल लो रहेगा। इसलिए हमें अपना वाइब्रेशन लेवल भी इंक्रीज करना होगा। वाइब्रेशन लेवल इंक्रीज कैसे हो सकता है, किस तरह से ये चीजें होती हैं, जो हम आगे हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं वो आपको आप शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। कितनी तरह के मन होते हैं, तीन तरह के, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से है सारी। अगर आपने नेगेटिव अफर्मेशन क्या होती है कि अगर मैं अपने माइंड को, अपने मन को, चेतन मन को, अवचेतन मन में ये चल रहा है कि मैं किस तरह से मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मेरे को कोविड हो जाएगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, हम ही अफर्मेशन करें। अब इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन जिसे कहा गया, इन दोनों में एक कैप्टन होता है, एक हमारा लीडर होता है। कोई बता सकता है कौन लीडर होता है? एनीवन? कॉन्शियस माइंड। जी, कॉन्शियस माइंड हमारा लीडर है, हमारा कैप्टन है, सबकॉन्शियस फॉलोअर है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन जो आपका कैप्टन है, अगर आप अपने चेतन मन से अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे हैं तो आप बच नहीं सकते, आपके साथ प्रॉब्लम होगी और आप किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। इसलिए आपका
क्या मैसेज आपने अपने सबकॉन्शियस को देना है, क्योंकि सबकॉन्शियस का काम है सिर्फ फॉलो करना, हुक्म की तामील करना। सही और गलत की पहचान सबकॉन्शियस को नहीं होती। और हमारी प्रॉब्लम, हर बीमारी का पीछे एक कॉज होता है, और ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर, मेडिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर एक भी बीमारी दवाइयों से क्योर नहीं की जाती। अभी तक मेडिकल वर्ल्ड के पास कोई ऐसी डिजीज नहीं है अभी तक जो मेडिसिन से क्योर हो जाती है, पूरे मेडिकल वर्ल्ड के पास। आप, हम सबको प्रॉब्लम होती है, हम दवाइयां लेते हैं, उन दवाइयों से उस बीमारी को सप्रेस कर दिया जाता है, हम दवाइयां खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योर नहीं होता। मेरे इस प्रोग्राम में मेडिकल डॉक्टर्स भी आ चुके हैं, मेरे अपने स्टूडेंट ग्रुप में मेडिकल डॉक्टर्स बहुत है जो इस बात को मानते हैं, और उन सबको मालूम है, लेकिन आम आदमी को ये बात नहीं समझ में आती। वो आज अपने ट्रीटमेंट के लिए अल्टरनेट थेरेपीज का यूज कर रहे हैं, जिनमें हम लोग काम करते हैं, हम लोग किसी भी पेशेंट का इलाज बिना दवा के कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, ऑल नॉलेज दैट द वर्ल्ड हैज एवर रिसीव्ड कम्स फ्रॉम द माइंड, द इनफाइनाइट लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्स इज अवर ओन माइंड। सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस का खेल है सारा। अब हायर एनर्जी इंपैक्ट चाहिए हमको, तो हायर एनर्जी इंपैक्ट कहाँ हो सकते हैं? हायर एनर्जी इंपैक्ट हो सकते हैं मंत्रा में। मैंने एक मंत्र लिखा है, पर हम किसी भी रिलीजन में हो चाहे, और किसी भी मंत्र का इस्तेमाल करें उसका हायर एनर्जी इंपैक्ट आपको डेफिनेट मिलेगा। ट्राइंगल, ट्राइंगल या ट्राइंगल पिरामिड्स, जो पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उनका एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन लेवल इतना हाई रहेगा कि उनको कोई बीमारी या कोई चीज छू नहीं सकती। ध्यान, मेडिटेशन लोग कहते हैं करना मुश्किल है, मैं कहता हूं मेडिटेशन से आसान कोई चीज नहीं है। मर्सी, दया करना दूसरों पर, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देता है, आपका वाइब्रेशन लेवल, आपका ऑरा बढ़ा देता है। हैप्पीनेस, खुद खुश रहना, दूसरों को खुश करना, दूसरों को खुशियां देना, हायर एनर्जी इंपैक्ट है। दान धर्म करना एंड रेकी और ईएफटी, ये दो ऐसी हीलिंग मोडेलिटीज हैं जिस पर जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे अपने बहुत बड़ा परिवार है मेरा, जितने भी लोग हैं उनको इफेक्ट नहीं हो रहा। इन सारी चीजों में मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ हमारे टीम लीडर ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी हैं, हैप्पीनेस पर आगे आपसे सर बात करेंगे। सर नमस्कार। तो सब हैप्पीनेस पे बात करने से पहले जो एक टॉपिक हमने लिया था डर का, डर और हैप्पीनेस हम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, जो आज एक वातावरण बना हुआ डर का, एक मेरे को छोटी सी स्टोरी याद आती है। 1993 में सूडान में एक कार्टर नाम के फोटोग्राफर थे, सूडान में उस टाइम भूखमरी चल रही थी बहुत बुरी तरह, उन्होंने एक फोटोग्राफ ली थी छोटी बच्ची और गिद्ध। वो फोटो इतनी पॉपुलर हुई, इतनी चर्चित हुई, उनको उसका पुलित्ज़र अवार्ड मिला। उस अवार्ड में जब वो फोटो दिखाई गई तो वाकई ही सारे लोग देखने वाले डर के सहमे हुए थे, किस ढंग से गिद्ध ने बच्ची को दुबोचा हुआ। तो बहुत से लोगों ने उनसे प्रश्न पूछे, एक रिपोर्टर ने पूछा कि जब ये बच्ची को गिद्ध पकड़ रहा था तो वहां कितने गिद्ध थे? कहा एक, कितने नहीं, वहां दो गिद्ध थे, एक गिद्ध जो उसको मार रहा था, दूसरा कैमरे के साथ था। अगर आप वो चाहता उस टाइम उस भूखी बच्ची को 500 मीटर दूर यूएन के सेंटर में ले जाता और उसकी उसको कुछ खाने को मिल जाता, शायद उसकी जान बच जाती।
पर उसका उस टाइम उसे उसे पूछा तो ये उसके फोटो खींचने के बाद आपने क्या किया, कहता मेरी फ्लाइट थी मैं चल पड़ा, उसे मुड़के भी नहीं देखा कि वो बच्ची का क्या हुआ। आज यही हमारे देश में कोरोना काल में हो रहा है, लोगों को डराया जा रहा है आंकड़ों से, ऑक्सीजन कमी से, अभी हम कोरोना से निपट भी नहीं पाए और ब्लैक फंगस की एक और शुरू हो गई है, और यहां तक कि ब्लैक फंगस की मेडिसिन गायब हो गई है। ब्लैक फंगस एक तो चलो जो मुसीबत आएगी ठीक है, ये भी खबरों में आना शुरू हो गया है कि ब्लैक फंगस की मेडिसिन मार्केट से गायब हो गई है। तो एक फार्मा का इंडस्ट्री का कह लीजिए या हमारा लालच कह लीजिए आम हिंदुस्तानी का या आम लोगों का, कि हम मुर्दों को भी बेचने से बाज नहीं आते। अब इस डर के माहौल में हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, अभी अनिल जी ने एक कवर किया था कि हमें हायर वाइब्रेशन में अगर हम रहते हैं, लोअर वाइब्रेशन में हम मोर प्रोन है टू डिजीजेस, और अगर हम हायर वाइब्रेशंस में काम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। एक तो इम्यूनिटी बढ़ती है हमारे मेडिसिन से वैक्सीन से, दूसरे ऑटोमेटिक है जब हम हायर वाइब्रेशन वाली कुछ बातें करते हैं उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है उस टाइम जब आप बहुत निराश होते हैं, थक के बैठे होते हैं, फ़ोन की घंटी बजती है, दूसरी साइड में देखते हैं फ़ोन आपकी छोटी बहन का है जिसको आपने बच्ची की तरह पाला था, आप खिल उठते हैं उसकी फ़ोन की आवाज़ सुन के, उस पर आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, आपकी अंदर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोरोना काल में आपके बॉस ने आपको निकाल दिया, बहुत झाड़ा का आपको काम नहीं आता, कोई काम था ही नहीं, काम कम हो गया, उसे एक बहाना ढूंढा, बहुत आपको डांटा पीटा और नौकरी से जवाब दे दिया। आप बहुत दुखी मन से घर आते हैं, सोचते हैं पता नहीं आज दुनिया खत्म हो गई, आपका बड़ा भाई या आपके पिताजी या आपके बहुत करीबी दोस्त आपको गले लगा लेता है और कहता है मैं हूं ना, कोई बात नहीं, कल फिर देखेंगे, ऑल इज वेल। आपकी वाइब्रेशन एकदम बढ़ती है, आप ऑफिस से बहुत थक के आते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, दिल करता है कि बस घर का दरवाजा खोलूं और बेड पे लेट जाऊं। आपका एक साल का दो साल का छोटा सा बच्चा आप पे चिपट जाता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, आप हायर वाइब्रेशन पे काम करना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है खुश रहना, हंसना, जो आजकल थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत से टीवी सीरियल या कॉमेडी प्रोग्राम या फिल्में भी नहीं आ रही आजकल, बट एक और है ढंग लाफ्टर योगा का। लाफ्टर योगा में ये है कि हम यू बेली ब्रीदिंग बेली लाफ्टर, जब आप हंसते हैं सांस लेते हैं तो बेली तक नाभि तक सांस लेते हैं, और जब सांस रिलीज करते हैं एक्सहेल करते हैं तो जितना टाइम आपको इनहेल करने में लगता है उससे डबल टाइम आप एक्सहेल करने में लगा दें और हंस के करते हैं, वो आपकी एक्सहेलेशन हंसी में होती है, तो दैट इंक्रीजेस योर वाइब्रेशन। और जो और भी काम है छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ की, आप वो उसको हंसी में करते हैं तो आपके सारा दिन हायर वाइब्रेशन में अच्छे मूड में बने रहते हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन जाने की जाए हमेशा ऊंची बढ़ जाती है। जैसे एक दो चीजें मैं आपके साथ करके बताऊंगा, अगर आप करना चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं जी। जैसे आप इनहेल करेंगे, सांस रोकेंगे और बाद में एक्सहेल करते हुए उसको हंसी में कन्वर्ट कर देंगे। एक करते हैं, होल्ड 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 और माइंड के लिए कि हमारे सबकॉन्शियस को नहीं पता आप किसी जोक में हंस रहे हैं या एक आर्टिफिशियल हंसी का असर, आर्टिफिशियल आपके मन पे वही असर होगा जो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को बता रहा है आप हंस रहे हो, और वो हंसते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी वाइब्रेशन हायर हो जाती है। इसी तरह से और भी उनसे बहुत सी एक्सरसाइज है, जैसे आज कोरोना काल में आप किसी को हेलो करते हो तो
और सबसे अच्छा है कभी आपसे गलती हो जाती है तो माफी मांग लेना, आपका मन हल्का हो जाता है और दूसरे को चुभ नहीं होती, आपसे गलती हो गई सॉरी। और ये सॉरी में आपको दो फायदे हैं, आपके कान के लोअर साइड में आपके लिम्फ नोड होते हैं जो आपकी बॉडी के बाकी जो सर्कल्स हैं वो एक्टिवेट वैसे होते रहते हैं, आपके जो लिम्फ नोड है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं बहुत कम एक्टिवेट होते हैं। अगर आप हंसते हो कान को खींच के करके, अगर बचपन में आपके टीचर कान खींचते थे डबल पर्पज होता था, आप उसे सजा भी देते थे, आपके लिम्फ नोड भी एक्टिवेट करते थे जी। तो आप इसको हंसते भी हैं सॉरी 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 और थोड़ी देर में आप दूसरे को माफ भी कर देते हैं, तो गले लगा लेते हैं तो इन सब एक्सरसाइज से आपको जब अच्छे कॉमेडी प्रोग्राम नहीं मिल रहे तो ये आप लाफ्टर योगा को अपना के अपना वाइब्रेशन लेवल हाई रख सकते हैं और इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ग्रेटिट्यूड, हम एक आभार मानना भूल गया लोगों का जो हमारे लिए कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा वर्कर भी जो आप लिए काम करता है हम उसका आभार करना भूल जाते हैं। आभार करने से आपके मन को वो सुकून मिलता है और दूसरे वाले को भी मिलता है जो आपकी वाइब्रेशन बढ़ा देता है। तो आप जितने लोग बैठे हैं उनका आभार करना चाहूंगा कि आपने मेरे को सुना, मेरी बात सुनी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक्स अनिल जी, मैं माफी चाहूंगा। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच संजय जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ग्रुप कैप्टन साहब का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत कम समय में इतनी शानदार बातें बताई। मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, लेकिन पहले से फिक्स प्रोग्राम है तो कोई बात नहीं, अगले 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 आगे प्रोग्राम चलते रहेंगे सर, फिर मिलेंगे जरूर जरूर सर, आप मुझे जरूर बताना सर। थैंक्स संजय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू संजय, थैंक यू सो मच, अभी का नमस्कार जी सर। ओके सो सर ने जैसे अभी कहा बहुत अच्छा लगा और बात बिल्कुल ठीक है कि हंसना बहुत जरूरी है। कई बार मैं भी एग्जांपल देता हूं कि हम लोग ड्राइव करते हैं और बाइक या कार जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और हमारे अगल बगल से कोई बाइकर या कोई साइकिलिस्ट या कोई और दूसरे व्हीकल वाला जिगजैग करके और हमें थोड़ा सा जिससे हमें डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, तो हम अक्सर जब वो सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हम लोग परेशान होते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस समय वो जो एंगर हमारे अंदर क्रिएट होता है उस एंगर का नुकसान उस शख्स को कभी नहीं होता, वो हमें खुद को ही होता है। अब उसी सिचुएशन को अगर आप इंजॉय करना शुरू कर दें कि अरे वाह कितना बढ़िया आर्टिस्ट है, तो कितनी बढ़िया गाड़ी चला रहा है, तो आपको वो नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आती। आज हमारे साथ अरुण प्रभु जी भी हैं। अरुण जी हमारे जो हैं आप ऑथर हैं और साथ में मोटिवेशन पर भी काम करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट हैं। मैं चाहूंगा कि अरुण जी आगे का मार्गदर्शन सभी के लिए अरुण जी से मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनिल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और मैं देख रहा हूँ बड़ी परसिस्टेंटली आप इस पे कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि यूनिवर्स में जब नेगेटिव फोर्सेस नेगेटिव ताकतें काम करती हैं ना तो पॉजिटिव ताकतें भी साथ साथ ही सुधरने लगती हैं। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि बैलेंस हमेशा रहता ही रहता है। तो जहां पे अगर कोरोना बहुत बड़ी बड़ी महामारियां और बहुत हम बहुत बुरी बुरी चीजें भी देख रहे हैं तो साथ साथ आप देखेंगे बैलेंस करने के लिए बराबरी की चीजें भी उठेंगी। तो जैसे अनिल जी भी ये काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो समाज में सेवा कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम पहले ये समझें कि ये फियर और हमसे जो बातें कर रहे हैं ये सब क्रिएट कैसे होती हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, जो कहते हैं ना ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम ही है एक्चुअली, ये सब क्रिएशन सब भ्रम है। और सब भ्रम कैसे क्रिएट होता है, हमारी अपनी पर्सपेक्टिव से, हमारे अपने सोच विचार से, हर एक के लिए अपना अपना भ्रम क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो अब हम समझें कि हमने अपना ये भ्रम, अब इस कोरोना काल में भी बहुत से लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको बीमारी टच भी नहीं कर रही है, ऐसे भी लोग हैं।
क्या फर्क क्या है, फर्क क्या है? तो अभी जैसे कैप्टन साहब ने कहा वाइब्रेशन वाइब्रेशन, तो मैं खुद थोड़ा सा आपको ना शेयर करता हूँ कि हम जो वाइब्रेशन वाइब्रेशन बोलते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं वाइब्रेशन का मतलब मैं ऐसे ऐसे हिल डूलूं या पता नहीं क्या करूं मैं, तो ये वाइब्रेशन चीज होती क्या है पहले ये समझ में आ जाए थोड़ा सा जी। तो ऐसा है कि जो हमें साइंस में, मैं कहता हूं कि जो हमें साइंस में नहीं पढ़ाया जाता है, और इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि अगर साइंस में ये पढ़ाया जाए ना, मैं गारंटी देता हूं कि आधे से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही बंद हो जाएंगी, केमिस्ट के पास लाइन लगाने लोग बंद कर देंगे। तो ये चीजें बचपन से पढ़ाई नहीं जाती, हमें ये पढ़ाया जाता है। लेकिन आप देखना दो तरीके के साइंटिस्ट हैं, एक वो साइंटिस्ट हैं जो सच्ची खोज कर रहे हैं और असली खोज कर रहे हैं, जो यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, जो एटम्स के बारे में बात, जो क्या कहते हैं एनर्जी साइंस के बारे में बात करते हैं, उन सबको नोबेल प्राइज मिलते हैं और वो जाके नोबेल प्राइज मिलकर साइड पे हो जाते हैं। और एक दूसरे साइंटिस्ट है जो कहते हैं भैया ये एलोपैथी ये फार्मेसी इसी की तरह में हमने रिसर्च करनी है, खूब ऐसे खूब मंडुक करके हमने ऐसे ही देखना है। वहां पैसा देते हैं यहाँ पे इज्जत देते हैं, तो एक ही चीज है, किसी को इज्जत मिलती है किसी को पैसा मिलता है, और दोनों ही अपने लगे हुए अपने अपने फील्ड में। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें क्या चाहिए, ना तो हमें इज्जत और पैसे की बात नहीं, हमें सबसे पहले अच्छी सेहत चाहिए, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि अच्छी सेहत के बगैर इज्जत और पैसा दोनों बेकार है। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज ये है कि हम ये समझें कि हम एक्चुअली हैं क्या, और ये हमारे ग्रंथों में वेदों में सब जगह लिखा हुआ है, सिर्फ साइंटिफिक वे में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमें समझ नहीं आता। मैं थोड़ा साइंटिफिक वे में आपको समझा देता हूँ। आज की डेट में रीजनिंग का जमाना है, हम रीजनिंग के बगैर नहीं, हमारे छोटे से बच्चे को भी हम बोलेंगे ना ये नहीं करना, तो उसको जब तक रीजनिंग नहीं देंगे ना तब तक वो मानेगा नहीं। ठीक है, वो जमाना गया कि बोल दो हाँ जी ये नहीं करना है, अच्छा जी पिताजी ठीक है जी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो जमाना नहीं रहा, आपको तर्क वितर्क करके देना पड़ता है। तो मैं ये तर्क वितर्क जो कर रहा हूँ ये मेरे अपना तर्क वितर्क भी नहीं है, ये तर्क वितर्क आप पूरा गूगल में ढूंढ सकते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कहा है ये। ठीक है जी, ये साइंटिस्टों ने क्या देखा कि जो सबसे छोटा जो वो है, सबसे छोटा जो कण है, वो उन्होंने कहा कि जी पहले कहा मॉलिक्यूल है, फिर कहा एटम है, फिर कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, पत्नी क्या क्या नीचे तक चले गए। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी नीचे, वो जो साइंटिस्ट है ना बहुत ज्यादा खोजबीन करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उन्होंने कहा यार सबसे छोटी चीज है क्या। आपको हैरानी होगी कि सबसे छोटी चीज जो है ना इस यूनिवर्स में वो है क्वार्क। ठीक है, गूगल कर लेना। अब उन्होंने कहा यार क्वार्क भी क्या चीज होती है, अब वो मतलब डेप्थ पे तो जाना ही है साइंटिस्ट को। तो उन्होंने देखा कि क्वार्क जो है, अब मजेदार बात ये है, क्वार्क जो है वो कुछ भी नहीं है, एनर्जी वाइब्रेटिंग इन स्पेस। अब सवाल ये उठता है कि अगर अगर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण जो है वो एनर्जी वाइब्रेटिंग स्पेस, समझिए एनर्जी वाइब्रेटिंग स्पेस यानी स्पेस कुछ भी नहीं है, उस स्पेस में बड़ी तेजी से एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, तो हम सब क्या है, पूरा ब्रह्मांड क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड नथिंग बट एनर्जी वाइब्रेटिंग इन स्पेस। अब आप कहेंगे एनर्जी वाइब्रेटिंग इन स्पेस है तो फिर ये हमें इंसान ऐसा क्यों नजर आता है हमारे सामने? तो इंसान इसलिए नजर आता है क्योंकि ये हमारे आईज की डेफिशिएंसी है, आईज का वो एडवांटेज नहीं है, आंख उतना ही देख पा रहा है, तो हमें वही दिख रहा है। हमें हमारे हमारे बॉडी के आगे के ऑरा, हमारे बॉडी के एनर्जी वो चक्रास, वो सब तो दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सब एनर्जी वाइब्रेटिंग इन स्पेस है तो हमारा एक वाइब्रेशन है, और डिफरेंस क्या है एक नॉन लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग में, डिफरेंस क्या है एक नॉन लिविंग बीइंग जैसे ये है, ये भी एक एनर्जी वाइब्रेटिंग इन स्पेस है, लेकिन इसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, इसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये ऐसा ही रहता है। ठीक है ना, हम जो इंसान है हमारा एक थॉट प्रोसेस है, और इंसान नहीं सबका थॉट प्रोसेस होता है, एवरी प्लांट लिविंग बीइंग हर एक का थॉट प्रोसेस होता है, और उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप वाइब्रेट करते हैं, यानी या तो आप जैसे वाइब्रेट करते हैं वैसे सोचते हैं, या फिर आप जैसे सोचते हैं वैसे वाइब्रेट करते हैं, किसी भी तरीके से ले लीजिएगा। अब क्या होता है, हर एक थॉट प्रोसेस और हर एक इमोशन का एक वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन चार्ट में शेयर करना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं, एक वाइब्रेशन चार्ट है गूगल में वो भी मिल जाएगा, जिसमें आपको हर इमोशन का वाइब्रेशन पता लग जाएगा। नहीं कर सकते हैं, मैं आपको वो कर देता हूं उस पे। क्या चीज? होस्ट में। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। को होस्ट कर दीजिएगा, एक सेकेंड। को होस्ट करेंगे ना तो आप भी होस्ट रहेंगे। मेरे पास को होस्ट की ऑप्शन क्यों नहीं आती? वो आपने शायद उसमें नहीं की होगी जब आप वो करते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोई नहीं, हाँ हाँ, ये लो ये लो।
ठीक है, तो अब एक मैं आपको एक चार्ट शेयर करूं, ये चार्ट दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है? जी जी जी। देखिए इसमें ना हर एक चीज की एक वाइब्रेशन लेवल लिखी हुई है, और अगर आप सबसे नीचे देखेंगे, सबसे नीचे जो 20 पे है वो है शेम, गिल्ट 30, एपेथी 50, ग्रीफ 75, फियर 100, डिजायर 125, एंगर 150, प्राइड, ऐसे ऊपर तक जाते जाएंगे। तो हम क्या देखिए, अब 99% क्या हो रहा है हमारे साथ, हम जनरली हमारे हम लोगों के साथ, ये मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना काल तो अब वो कहते हैं ऊपर टॉप पे पीक पे आ गया है, जनरल लाइफ में हम क्या करते हैं, जनरल लाइफ में हमें यही चीजें होती हैं, हम शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ में इतना ज्यादा उलझे रहते हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशन होगी ना वो इस लेवल पे होगी नीचे, और जितना जितना आपका वाइब्रेशन लेवल होगा ना उतना ही आपका ऑरा होगा, तो ऑरा आपका बहुत ही वीक होगा। ऑरा का मतलब ये है योर एक्सटेंडेड बॉडी, जो आपके बॉडी के बाहर की जो है वो जो है वो सबसे कम रहेगी। और हमेशा आप ध्यान रखना, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी ऐसे सर्कुलेट करती रहती है हर जगह से। अब मैं उतना डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा कि मेरिडियंस क्या होते हैं, चक्रास क्या होते हैं, लेकिन ये एक तरीके से झरने की तरह ले लो, आप एक सिस्टम ले लो कि झरना है, ठीक है ना। अब मैं इसको जरा थोड़ी देर के लिए स्टॉप शेयर करता हूं। अब ये बॉडी को आप झरने की तरह ले लो। अब ये झरना है, जब अच्छा सा झरना बह रहा होता है ना ऐसे, तो झरने के आगे ना इतनी सारी खुशबू, सारा झरना दूर से आपको ना स्मेल भी मिलती है, आपको सब कुछ मिलती है, आप जैसे झरने के पास आते हैं आपको बड़ी फीलिंग बड़ी अच्छी सी आती है, वो एक अच्छा सा झरना है, ठीक है। लेकिन अगर हर झरना, अगर आप सोचो कि झरने के ऊपर पत्थर पत्थर डाल के अगर उसका वाटर कम कर दिया जाए वाटर फ्लो, तो धीरे धीरे उसमें फंगस लगना शुरू हो जाएगा और पानी गलना शुरू। सिमिलरली हमारी बॉडी में क्या है, हमारी एनर्जी तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने आप इमोशनल ब्लॉकेजेस नहीं लेके आते। तो ये जो फियर, ग्रीफ, ये सब कुछ लो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, जिससे क्या होता है हमारे एनर्जीज ब्लॉक हो जाते हैं जगह जगह जगह। अगर मैं आपकी एनर्जी रीडिंग मीटर वो निकालूंगा तो समझ में आ जाएगा कि कहां कहां हमारी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं। तो जैसी आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस होंगी तो ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, तो उसमें अगर कोरोना भी होगा तो वो भी आप पे अटैक करेगा। तो जैसे अभी कैप्टन जी ने कहा कि हंसना ये सब आपके वाइब्रेशंस को ऊपर उठाता है, हंसना, मेडिटेशन, आपकी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाता है, योगा करते हैं आप, एनर्जी हीलिंग करते हैं, ये सब चीजें वो होती हैं जो आपके वाइब्रेशन को हाई रखती हैं। अगर आपका वाइब्रेशन इतना हाई रहेगा तो ये जो वायरस है, वायरस की वाइब्रेशन तो बहुत छोटी है इसके मामले में, वो वायरस कहीं नजर भी नहीं आएगी। अगर कोई बंदा हेल्दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वायरस नहीं है, प्लीज। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी घर में दीमक नहीं लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि दीमक नहीं है, दरवाजे मजबूत है, क्योंकि हमने तो कभी दीमक को चल के आते देखा नहीं है। तो रातों रात दीमक कहां से आ जाती है, दीमक वहीं होती है, वायरस वहीं होते हैं, हम सब वायरस से बने पड़े हैं। अगर आप गूगल में जाकर सर्च मारेंगे करीब करीब 1 मिलियन वायरसेस हैं, सिर्फ ये है हम कुछ वायरस को ढूंढ पाए हैं और कुछ वायरस हमसे ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अगर इस तरह से चलता रहे तो हर 2 साल में एक वायरस, हर 2-3 साल में एक नया वायरस ऊपर आता रहेगा। आज से 25-30 साल बाद एक्यूपंचर की जगह लोग वैक्सीनेशन को एक्यूपंचर ही कहा करेंगे, ये पता नहीं कहां कहां टीके लग रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल है, स्टंट में भी ऐसे ही है ना, वो आजकल कोई एक स्टंट थोड़ा डलता है, कई स्टंट डल चुके होते हैं, फिर भी हम चलते रह रहे हैं। बट एक चीज सोचिएगा, करीब कहते हैं 186,000 स्पीशीज है, ठीक है, जिसमें से एक इंसान को छोड़ के बाकी किसी के पास अस्पताल नहीं, सबने अपने, और अस्पताल सबके पास है, सब जानवरों को पता होता है क्या करना होता है। अगर एक जानवर को चोट लगती है ना तो दूसरा जानवर उसको चाटने लगता है। अगर मैं चाटने की बात करूं तो उसको कहते हैं लव, किसी उस वो जानवर, उसको कोई वो नॉलेज नहीं है, उसने कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो डॉक्टर की डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, उसको किसी ने आके बताया भी नहीं चाटना क्या है, लेकिन उसके अंदर से उसकी आत्मा ने कहा इसको चाटना है, और जो चाटना है उसका सलाइवा प्लस उसका लव, दूसरे दिन कुत्ता ठीक, दूसरे दिन कुत्ता ठीक। सर मेरे पास कैट्स हैं, अब ये देखो कि अगर एक कैट को प्रॉब्लम होती है तो दूसरी कैट आपस में एक दूसरे को चाट चाट के ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल, और हम यहाँ इस चीज को समझ, और हमने सोशल डिस्टेंसिंग करके ना पूरे कोरोना की वाट लगा रखी है। और सोशल डिस्टेंसिंग तो चलो छोड़ो, प्रोटोकॉल है, हमने डिस्टेंसिंग ही कर ली है। अरे किसी की मौत हो गई है तो हम वहां मतलब जाने को तैयार नहीं है,
मतलब इतना हमने, सबसे बड़ी पावरफुल हीलिंग इज लव। अगर मैं दोबारा शेयर करूं तो आप ऊपर देखना, देखिए सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ना एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक बात होती है, टीबी क्या भयंकर बीमारी नहीं है, कैंसर क्या भयंकर बीमारी नहीं है, ये सब भयंकर बीमारियां, लेकिन सबको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे किसी ने कह दिया इसको टीबी है, अच्छा चलो ध्यान रखना, मैं ना जरा फलों की टोकरी भेज देता हूँ। हम फलों की टोकरियां भेजा करते थे, जब कोई बंदा बीमार होता था उसको मिलने जाते थे, फलों की टोकरियां गुलदस्ते देते थे। ये क्या था? ये था शेयरिंग ऑफ लव, केयरिंग। और अब हम कहते हैं कि भाई साहब दूर रहना मेरे से, हमने ये सारी बीमारियां एक्सेप्ट कर ली। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ ये भी एक बीमारी है यार, ठीक है, तो क्या हो गया, कोरोना भी है, ठीक है। पहली चीज है एक्सेप्टेंस, दूसरी चीज है एम्पैथी, और तीसरी चीज है लव। जितना आप प्यार बांटेंगे, और प्यार एक ऐसी चीज है ना, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हवा की तरह होता है। जितना आप प्यार बाहर बांटेंगे ना, अपने आप अंदर प्यार आ जाता है। कहीं से जरूरत नहीं होती है। लोग कहते हैं यार कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले एक बात, तुम करते भी नहीं करते। जो बंदा अपने रेस्टोरेंट में खुद खाना नहीं खाता, तो दूसरों को कैसे कहेगा खाने के लिए। अपने आप से प्यार कीजिए। इफ यू स्टार्ट सेल्फ लव, दैट इज द बिगेस्ट इम्यूनिटी। ठीक है, तो मैं यहीं पे अभी अपनी टॉक खत्म करना चाहूंगा, हालांकि ये मेरे लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है। एक चीज हमेशा, कभी भी बाहर से अपने अंदर को मत इफेक्ट करने दीजिए, अपने अंदर से बाहर को इफेक्ट करने दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू अरुण जी, फॉर एलेबोरेटिंग माय पॉइंट। हां जी, थैंक यू फॉर एलेबोरेटिंग, बिकॉज़ आई हैड लिमिटेड टाइम, आई कुड नॉट हैव एलेबोरेटेड। आई नो इट्स लिमिटेड टाइम, सो बट यू टुक इट वेरी वेल, थैंक यू। या थैंक यू। मैं आपको होस्ट करूंगा। हां जी, हां जी। सो बहुत बढ़िया तरीके से अरुण जी ने कहा कि भाई अपने आप के अंदर ही आपको चलना है, प्यार बांटते चलो। किशोर कुमार जी ने पता नहीं किसने गाना गाया था, बस वो गाने की लाइनें याद रखिए, और वो गलत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्यार बांटते चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगेन हम लोग यस, सो द डिस्कवरी, देर आर इमोशनल कॉज, द अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस टू बी प्रिसाइज बिहाइंड एवरी डिजीज एंड डिस्कम्फर्ट। अरुण जी ने भी अभी यही कहा कि फियर, ईगो, एंगर, एंजाइटी, जेलसी, जो अभी ग्राफ अरुण जी दिखा रहे थे, उसमें यही चीजें हैं जो आपको सबसे बड़ा आपका वीक पॉइंट है। हम सब के अंदर अगर किसी भी वायरस या किसी भी चीज से इफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो तो बाद में होंगे, पहले ये चीजें हैं आपके हमारे अंदर। अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो हम बच नहीं सकते। सो जितना हो सके इन चीजों को अपने अंदर से दूर करें, आने वाला कल अच्छा ही होगा। महर्षि चरक ने भी चरक संहिता में लिखा है कि पेशेंट, रोगी इज द बेस्ट वैद, हकीम, डॉक्टर, हीलर हमारे साथ, लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाते, और हम लोग बार बार अपने ही अलग, जो अब अलग क्या कहेंगे, हम लोगों ने यही देखना है कि हमारे आसपास जो चीजें चल रही हैं वो इतनी इफेक्टेड है कि हमें लगता है कि जो मेडिकल वर्ल्ड या अदर देन ये सब चीजें हो रही हैं यही सही है। ऐसा नहीं है, हम सब अपने आप में सक्षम हैं। पहले भी हमने शो में कई बार एक बात कही है कि ये इतना बड़ा पैंडेमिक जिसको कहा जा रहा है, पैंडेमिक नहीं है। अगर होता तो हम सब इफेक्टेड होते, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ 1-2% लोग भी हैं जो इफेक्टेड हुए हैं, और वो भी उसमें से भी 90% लोगों ने रिकवरी कर ली। अगर हम ओवरऑल सारा देखें तो हमारे देश के अंदर जितने लोग इस बीमारी से इफेक्टेड हुए हैं, और वर्ल्ड की बाकी सीरीज को अगर हम देखें, तो वो भी उस हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भी कम। आइए एक वीडियो और दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें बहुत अच्छा एक मैसेज है कि आखिर हम हैं कौन।
आई थिंक इस वीडियो में सॉरी मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से वीडियो ये चल नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई गई है कि अपने जीवन के राइटर डायरेक्टर और एक्टर आप खुद हैं और कोई नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम मैं इस वीडियो को जरूर चला के दिखाऊं। सो सॉल्यूशन के अंदर हमें अपने ऑरा को हेल्दी बनाना है। ईएफटी एक हीलिंग मोडेलिटी है जिस पर हमें काम करना है। अल्टीमेटली करना क्या है तो सबको हम एक ही सलाह देते हैं कि अपने आज से न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। न्यूज चैनल पे स्पेशली जो कोरोना की न्यूज है उनको बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। डोंट पैनिक, सिचुएशन खराब हो सकती है पर पैनिक होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ईएफटी 20 राउंड्स डेली, मंत्रा चैंटिंग सबसे अच्छा और सबसे आसान काम है। मंत्रा चैंटिंग, मंत्रों की चैंटिंग करना, किसी भी मंत्र की लगातार परिवार सहित अगर आप करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं। ऑरा क्लींजिंग थ्रू पॉजिटिव थॉट्स, रिमूव फियर एट एनी लेवल, कीप टैपिंग, इंक्रीज योर वाइब्रेशन लेवल, वाइब्रेशन लेवल को इंक्रीज करना, ये सब चीजें अगर आप कर रहे होंगे तभी आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। सो मैं अनिल नय्यर पिछले लगभग 15 सालों से डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेट थेरेपीज में काम कर रहा हूँ और इस बीच में हमने इन सालों के अंदर बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने इस किसी भी तरह के ट्रॉमा से निकाला है। I just got the story today and I really loved it. A movie theater announces that they're going to play a 10-minute award-winning movie prior to every show in the theater. People are really excited and they all come in early and settle down because they don't want to really miss any part of this 10-minute award-winning movie. The movie began with a snapshot of the room ceiling. There's no decoration on the ceiling. It was just plain blank ceiling. Couple of minutes passed, but the camera did not move. People started wondering, and though they were whispering, the frustration was very obvious. After a couple of more minutes, emotions were moving from frustration to anger. People started wondering, what could be wrong with this man who made this movie? They started ridiculing the jury who gave this man the award. And they could not understand why this theater management would like to show this movie before every show. After about 8 to 9 minutes, people were getting really impatient. And at that time, the camera moved from the ceiling to the floor. And suddenly, the audience got to see a bedridden man looking at the ceiling. He was totally handicapped due to some spinal cord injury. The camera again rolled back from the floor to the ceiling, and the following sentence appeared on the screen. We showed you only 9 minutes of this young man's daily activity from the 24 hours of his life, and which he will probably watch for the rest of his life. And you complained and ran out of patience as you couldn't bear to watch it even for 9 minutes. So friends, right now, if you are not confined to the ceiling, consider yourself lucky. And if you are able to manage 3 meals a day, and if you have your loved ones close to you, consider yourself as absolutely blessed. Irrespective of what age or what stage of life you are in right now, you can always rebuild and make it big. Remember, someone had lost all his money and wealth at the age of 57, and then KBC happened and he regained all his stardom and all the money and much more at that age. Someone's hotel got shut at the age of 62, and then he franchised his recipe for fried chicken, and today we have KFC. And then there is someone who started his acting career at the age of 45, and he went on to become one of the most promising actors in the Bollywood industry. Remember friends, you have only been physically quarantined, not mentally. So please think, plan, strategize. So when things open up, you know where to hit, how to hit, and how to make it big.
And don't forget, happiness is always a choice. So stay happy and keep smiling. Thank you. So, ठीक कहा, think big. और इस चीज का हमने भी फायदा उठाया. Coming soon, भारत की बात सुनाता हूं. एक ऐसा लाइव शो हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें भारत की स्वतंत्रता से लेकर 2021 तक पूरे देश में क्या परिस्थितियां रही हैं, किन परिस्थितियों में हमें आजादी मिली और कहां से वहां से चलते हुए करंट अफेयर तक हम लोग आपको लेकर आएंगे. एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो लाइव शो रहेगा, भारत की बात सुनाता हूं. हमारा नेक्स्ट डर और कोरोना का प्रोग्राम रहेगा, सॉरी 27 तारीख है, डेट चेंज नहीं, डे नहीं चेंज हुआ, थर्सडे रहेगा. हम लोग मिलेंगे और नाउ वापस मैं आता हूं अभी डिस्कशन पे. सो कैप्टन सर, जो अभी हम प्रोग्राम नेक्स्ट की बात कर रहे थे उसमें छोटा सा अमेंडमेंट ये है कि सिंस हम वो शुरू करने जा रहे हैं ऑन महाराणा प्रताप जयंती, चाहे वो हमारा प्रोग्राम 1947 की बात कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंस के एंड आफ्टर इफेक्ट्स, बट फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो मोस्ट लाइकली हम महाराणा प्रताप पे करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा स्तंभ है हमारे हमारे देश का जिसको ड्यू इम्पोर्टेंस जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, ना शिवाजी को मिली, ना गुरु गोविंद सिंह को मिली, ना महाराणा प्रताप को मिली. मुगल कालीन की गाथाएं गाते गाते ही हम बड़े हुए हैं और वही समझ रहे हैं. तो इसलिए पहला एपिसोड जो है हम महाराणा प्रताप पे करेंगे. देयर विल बी स्लाइटली डिविएशन फ्रॉम व्हाट वी अनाउंस 1947 एंड आफ्टरमैथ, बट थोड़ा रहेगा. एंड वी वेलकम मोस्ट ऑफ यू, हमारा इंटेलिजेंस ही हमारे साथ है जुड़ा हुआ. हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें. बिल्कुल इसी तरह का लाइव शो रहेगा जिस तरह से ये वाला प्रोग्राम चल रहा है. ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, कोई भी उसमें ज्वाइन कर सकता है, बोल सकता है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे उनको सुनने का मौका मिलेगा, और वो एक्सपर्ट्स हमारे देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जी, आज के विषय पर आते हैं. हम में से और लोग जो जुड़े हुए हैं, कोई और आज के डर और कोरोना के ऊपर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं. जी चंद्रजीत कुमार, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? डेफिनेटली चंद्रजीत, हमारे हर प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और वो रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग तक जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है. आप चाहें तो कोई भी एपिसोड दोबारा देख सकते हैं. जी सर, अरुण जी, रेस्ट ऑफ द टाइम आप ही के लिए है सर. मेरे लिए? जी जी. अच्छा ठीक है, चलिए. वैसे तो काफी हद तक हम बता ही चुके हैं. बहुत सारे मेरे ख्याल से कुछ रह तो नहीं गया होगा. थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आज इस विषय को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और कनेक्ट करके बताएं, ज्यादा थोड़ा और इलेबोरेट करें. अरुण जी, अगर आप 369 से थोड़ा परिचित हो तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टॉप सीक्रेट माना जाता है. अगर हो तो, और हमारे जो मित्र लोग इसमें जुड़े हुए हैं थोड़ा सा उनको उसके बारे में बता दीजिए. आप एनर्जी से जुड़े हुए हैं तो मेरे को आई एम श्योर 369 को समझते भी होंगे और उसके बारे में कहना भी चाहते होंगे. मैं थोड़ा सा पहले बेसिक्स, जैसे उन्होंने कहा ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे ये होता है और कैसे हम अपनी ही. सर एक सेकंड, कैप्टन सर, मैं जो 369 का है उसको मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, क्योंकि थोड़ा वो विषय थोड़ा सा लंबा है. लंबा सर, ठीक है, हम नेक्स्ट वाले में लेते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत इससे जुड़ा हुआ है, वो ठीक है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे चलता है, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा सा किस्सा है. और दुनिया में ना ऐसा ही चलता है, कोई भी चीज ऐसी ही चलती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे महामारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वो आपके अंदर कोई भी आप अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या हेल्थ चैलेंज से गुजर रहे हैं, किसी भी चीज से गुजर रहे हैं. तो एक पहले छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत पुरानी कहानी थी, पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन उसका एक जिस्ट आपको बताता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक वो होता है आर्किटेक्ट होता है, उसको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का प्लान मिलता है.
कि ये बिल्डिंग आपने वो करनी है, तो बहुत बड़ा ऑर्डर था, बड़ा खुश होता है, तो बार में जाता है, अपने बार में जाके वो खुश, जब भी खुश होता है वो अपना, वैसे भी उसको डेली बार में जाने का उसका अपना एक वो था, तो बार में जाता है, बैठता है, तो इतने में बारटेंडर वो आता है उसका, वो कहते हैं कि हाँ जी सर, कहते मेरा रेगुलर स्कॉच, मेरी रेगुलर स्कॉच लेके आइए, कहते अच्छा ठीक है, और तब बैठा हुआ इधर उधर देख रहा होता है, तो दूर देखता है एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, और उस न्यूज़पेपर लिखा है कि रिसेशन इज गोइंग टू कम एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इतना बड़ा बड़ा देख के कहता है यार अभी तो मुझे एक ऑर्डर मिला है और मैं अगर सारे पैसे ऐसे खर्च कर दूंगा तो रिसेशन में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तो जैसे ही वो बाटन कहता, बाटन बोला सुन सुन इधर इधर नहीं स्कॉच छोड़, मुझे विस्की विस्की पिला दे। ठीक है, कहते सर आप तो हमेशा स्कॉच पीते थे, क्या चक्कर है, ऐसा क्या हो गया? कहते तुझे पता नहीं है इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, पैसे बचाने चाहिए। ठीक है ना, कहता तो उसको दे देता है। अच्छा, आने से पहले वो अपने ना ज्वेलर के यहाँ पे अपना एक ऑर्डर भी दे चुका होता है कि मेरी वाइफ के लिए एक बढ़िया अच्छा सा हार वार भी बना दें। ठीक है, जैसे ही वो वहां से बाहर जाता है वो अपने ज्वेलर को बोलता है कि यार बहुत ऐसा हार वार जो है ना अगले साल बनाएंगे, अभी सॉरी आई एम सॉरी टू से हम इसको स्थगित कर देते हैं। अब ये देखिए साइकिल कैसे शुरू होती है, जो बारटेंडर है वो घर जाता है और वो अपनी वाइफ को और अपने घर वालों को बताता है कि देखिए रिसेशन आने वाला है, हमें खर्चे कम कर देने चाहिए। तो वो क्या होता है, वो भी अपने ऑर्डर्स सब जगह जहां जहां होते हैं ना बंद कर देते हैं। यहाँ पे वो ज्वेलर जो है उसको पता लगता है कि अच्छा रिसेशन आने वाला है, तो उसने भी अपनी ना वहां पे स्टार्ट कर दी कि भैया अपने घर में और सब जगह बोल दिए कि भाई सर ऐसा है अब हमें खर्चे कम कर देने चाहिए, रिसेशन आने वाला है, और एक बहुत ज्ञानी पर्सन ने मुझे बताया तो उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। ठीक है जी, ऐसा ही होता है जब कोई एक इन्फ्लुएंसर होता है ना, लोग कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर, आज की डेट में सोशल मीडिया कौन ड्राइव करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स। हम सब तो प्यादे हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं सब, जो सारा काम खेल खेलते हैं। अब सोचिए ऐसे बढ़ते 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 क्या हुआ, ये न्यूज इतनी बढ़ी गई, तो जिस बंदे ने इसको आर्किटेक्ट को ऑर्डर दिया था ना उसको उस तक भी न्यूज पहुंच गई। अब उसने सोचा इतना बड़ा ऑर्डर मैं अभी करूंगा, रिसेशन आ रहा है, तो इमीडिएटली उसको कॉल करता है, उसको बोलता है बॉस ऐसा है देखो आपको मैंने ऑर्डर तो दिया था लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम अगले साल देखेंगे। और फिर ये बंदा कहता है कि यार देखा हो गया अप्रूव ना, रिसेशन है। अभी किसने किया है, घूम फिर के आपका रिसेशन आप ही के पास आ गया। और अब क्या होता है, अब ये बंदा फिर, अब देखो वो कहता है ना पीने वाला गम में भी पीता है और खुशी में भी पीता है, अब वो जाके फिर वहां बैठ गया और बार्टेंडर आके कहता है अच्छा सर स्कॉच या विस्की, कहता है यार विस्की लाना यार छोड़, ठीक है ना विस्की, अच्छा एक काम करना वो अखबार भी ला के देना वो जरा मैं देखू तुझे क्या दुनिया में हो क्या रहा है। तो अखबार लाता, अखबार पढ़ता है, उसमें से कुछ पढ़ता है, ऊपर डेट देखता है, डेट 2 साल पुरानी है। वो कहता है कि 2 साल पुरानी अखबार यहाँ क्या कर रही है, कहते सर वो एक्चुअली हमने रेनोवेशन कराया था ना यहाँ पे, तो अखबार सारे वो किए तो एक आधा अखबार वहां पड़ा गिर पड़ा होगा सर, पुरानी अखबार है ये। अब कहने का मतलब क्या है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स पूरा रूल करते हैं। अब ऐसे ही हमारी लाइफ में कैसे रूल होता, अच्छा देखिएगा कोरोना को ना इसी कहानी से, जब कोरोना को आप मैप करेंगे ना जी जी जी, तो आप देखना स्टार्ट कहां से हुआ, चाइना ने कुछ वीडियोस दी थी, अब वो चाइना कहां गया क्या हुआ किसी को नहीं पता, वहां से जो शुरू हुई उससे ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया। अब हम आते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारी लाइफ में भी ऐसे कैसे होता, क्या चीजें होती हैं। देखिए मैंने जो आपसे बात की थी ना कि हम एक वाइब्रेशनल वो हैं और हम वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेट जो करते हैं और हमारा एक थॉट प्रोसेस है, हम इस समय भी मेरे ख्याल से अभी 1.5 या 2 घंटे जो हमने सबको सुना, हर व्यक्ति इस समय अपने थॉट्स भी भेज रहा होगा। कोई बंदा कह रहा होगा यार बड़ी अच्छी चीजें सुनने में पता चली, कोई बंदा कह रहा होगा पता नहीं कब खत्म होगा तो मैं चला जाऊं, कोई कह रहा होगा यार ये जो बोल रहा है ना मुझे बकवास ही लग रही है, इसमें कोई ना तथ्य तो नहीं लग रहा है। हर एक बंदे के अपने थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। इट इज सेड दैट हम 60,000 थॉट्स पर डे दे भेजते हैं, यानी ऑलमोस्ट हर एक सेकेंड में एक थॉट जा रहा होता है। थॉटलेसनेस 2 ही टाइम पे होता है, या तो आप बिल्कुल ही मतलब गए ऊपर या फिर हम टॉप मेडिटेटिव स्टेज में चले गए, वही एक थॉटलेस स्टेज है, उसके अलावा हम थॉट्स के बगैर रह ही नहीं सकते, हमारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो ये थॉट्स जो वाइब्रेशंस है ना, एंड ये थॉट्स कुछ नहीं है, थॉट्स हैं वाइब्रेशंस। अब आप सोचिए कि ये एक पूरा समुंदर है, इस समुंदर में मैंने एक वेव भेजी, तो वो वेव तो जाएगी जाएगी ना, वेव कहीं ना कहीं तो जाएगी जाएगी। अनिल जी मेरे को कितना टाइम है, मैं उसी हिसाब से। सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये वेव तो जाएगी ही जाएगी। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो न्यूटन्स लॉ है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज गॉट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो जैसी हम एक वेव भेजेंगे तो एक काउंटर वेव वापस आती है।
तो बैलेंस करने के लिए, जैसे पहले मैंने कहा था कि ये पूरा ब्रह्मांड पता है क्यों टिका हुआ है, क्योंकि एक बैलेंस है। आज करोड़ों सालों से इतने सारे स्टार्स और वो सब बैलेंस में घूम रहे हैं क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन है। आपको पता है अगर इस 9 प्लैनेट्स में से किसी भी एक प्लैनेट का थोड़ी सी भी स्पीड चेंज हो जाए या उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पूरा सोलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। बड़े बैलेंस से, मतलब ऐसे उसे टिका के रखा हुआ ये, और ये पूरा एक ग्रेविटी मैट्रिक्स में पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। अब इसमें सिर्फ एक ही जगह अशांति है, वो है पृथ्वी, और वो भी इसीलिए है क्योंकि वहां इंसान है। किसी ने कहा था, वो सदगुरु जब बोल रहे थे, किसी ने कहा था कि सर वो इंसान सब चले जाए, मतलब चले जाए, कहता इंसान सब चले जाए ना पृथ्वी दोबारा बस जाएगी। कहता इंसान ही, इंसान की जरूरत नहीं है बाकी सब। और इंसान जो है वो दूसरे प्लेनेट पे जाने की तैयारी कर रहा है, वहां जाके भी यही हाल करेगा जो यहाँ है। क्या करेगा, सही बात है। वो कहते मार्स में बसाने की जगह पहले पृथ्वी तो बसा लो, पहले पृथ्वी तो बसा लो। तो एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जैसे ही हम कोई थॉट भेजते हैं तो वो थॉट काउंटर अटैक होता है। इसलिए आप कभी भी देखना, आपके यहां से कोई भी थॉट आएगा ना, एक एंटी थॉट, इसे मैं एंटी थॉट कहता हूं, जिसे आप नेगेटिव थॉट बोलते हो, नेगेटिव थॉट नहीं है, एक एंटी थॉट इमीडिएटली आता है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर सपोज करो कोई एक गरीब आदमी है जिसने आज तक कभी साइकिल से ऊपर ना गया हो, और वो कहे कि जी मैंने बुलेट लेनी है उसके अंदर, और वो जैसे ही अंदर उसके दिमाग में ख्याल आएगा कि मुझे बुलेट लेनी है, इमीडिएटली ऐसा नहीं आता उसका, कभी ऐसा नहीं होगा, हाँ हाँ बिल्कुल ले, क्यों नहीं ले सकता तू जा, ऐसा कभी नहीं होगा। इमीडिएट थॉट आता है, अबे बेवकूफ साइकिल से तो ऊपर उठ नहीं पाया। अब इसको किसी भी चीज से लीजिए, मैंने साइकिल और बुलेट के लिए कहा है, किसी भी चीज से कर लीजिए, आप हेल्थ के बारे में कर लीजिए, फाइनेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कह लीजिए, मैं चाहता हूं कि मैं ना किसी रिलेशनशिप में पढ़ू, अभी पिछली बार 4 बार तो तेरा दिल टूट चुका है, डिवोर्स्ड है, दिल टूट चुका है, तेरे को कोई प्यार करने वाला, क्या है एंटी थॉट आता है। ये एंटी थॉट पता क्यों आता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बैलेंस में रखना चाहता है, यूनिवर्स कहता है हिलो डुलो मत। तो अब क्या था, बैलेंस कैसे हो गया, मैंने कहा मैं जब बुलेट लेनी है, उसने कहा पागल है तू, साइकिल से ज्यादा नहीं ले सकता, हाँ जी ठीक है, बैठ गया, खत्म बात, बैलेंस, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम कहते हैं बर्निंग डिजायर। अब बर्निंग डिजायर का मतलब क्या था, नहीं यार, अब सेकंड थॉट पता है क्या, नहीं यार इस बार तो लेनी है। अब देखना, अब जो एंटी थॉट होगा ना वो थोड़ा वीकर होगा, अब ये नहीं आएगा साइकिल है या नहीं, अब सेकंड एंटी थॉट पता क्या आएगा, अच्छा कैसे लेगा बता, देखिए स्टेप अहेड कहां चले गए हम, करेक्ट, ठीक है। अब अगर उसका बर्निंग डिजायर है, यार कुछ तो होगा ही, अच्छा क्या होगा, यार लोन ले लूंगा, अच्छा कैसे लेगा। अब आप देख रहे हैं कि एक थॉट आगे आगे जा रहा है, दूसरा थॉट पीछे पीछे जा रहा है, इसको कहते हैं, इसको अब कहते हैं न्यूटन का जो दूसरा लॉ है कि एवरी बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, या फिर जब मोमेंटम देंगे तो वो मोमेंटम में चला जाएगा। अब आपका थॉट प्रोसेस जो है वो मोमेंटम गेन करने लग गया है, मोमेंटम गेन किया, मोमेंटम गेन करने से क्या होता है, अब जैसे जैसे आप करेंगे तो आपके थॉट पे वो कहते हैं एवलैंच कैसे शुरू होता है, पहले एक गिरता है, दो बर्फ के गोलों पे गिरता है, दो बर्फ के गोले 4 पे गिरते हैं, 4 10 पे गिरते हैं, 10 दो 100 पे गिरते हैं, तब तक तो ठीक था, जब 100-200 पे गिरेगा ना, अब ना रुके हैं, अब नहीं रुकेगा, अब कोई नहीं रुक सकता। ऐसी जब आपका थॉट प्रोसेस जब बिल्कुल एकदम वाइड होने जाता है और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन देते हैं, तो यूनिवर्स भी कहता है भाई ततास्तु, तू शांत रहता भाई, मैं तो शांत नहीं कर पा, तू शांत रह ले, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को मर्सिडीज चाहिए ना, मर्सिडीज रहने से तू शांत हो जाएगा ना, हाँ जी शांत हो जाऊंगा, चल तेरे को मर्सिडीज दिलाता हूं। अब आती है यूनिवर्स कंस्पायर्स, अब यूनिवर्स तरीके निकालेगा आपको मर्सिडीज देने के लिए, पता नहीं कहां से आएगा, आपको कोई ऑर्डर मिल जाएगा, आपको कहीं दान मिल जाएगा, आपको कोई ला के दे देगा, कुछ भी हो सकता है, वो चीज आपको मिलके रहेगी। अब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां पे जो कहा है, तो आप कहेंगे कि यार इसका मतलब हर चीज के लिए मुझे शिद्दत दिखानी पड़ती है, तो सर सवाल ये है कि हर चीज के लिए शिद्दत तो हम दिखाते ही रहते हैं, गलत चीज को। अब एक गरीब बंदे से पूछो भाई तू यार कुछ बिजनेस क्यों नहीं कर लेता, अरे यार बिजनेस हमारे बस की कहाँ है यार, हमेशा तो पिटते रहते हैं। अब वाइब्रेशन की जो है, जो एवलैंच है, वो किस तरफ को दी है कि तू जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं कर सकता, तो दे तो रहे हैं हम यूनिवर्स कंस्पायर तो कर रहा है, हम सिर्फ गलत यूज कर रहे हैं उसको, हमें यूज करना नहीं आ रहा है, तो हम यूज क्या करते हैं, यार मेरे तो कभी रिलेशनशिप ठीक ही नहीं हो सकता, यार मेरे तो कभी हेल्थ ठीक ही नहीं हो सकती, यार मुझे तो पहली बता दिया ठीक नहीं हो सकता है। तो रोज जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं, जो जैसे अनिल नायर जी ने कहा कि मंत्रा, तो हमारा रोज का मंत्रा क्या है, सवेरे उठते ही सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, क्या सवेरे उठते हम सब कहते हैं, वाह आज कितना बढ़िया दिन है, आज बहुत कुछ होने वाला है, अबंडेंस इज गोइंग, ऐसे कितने लोग उठते होंगे, हम सब कैसे उठते हैं, उफ यार फिर वही, फिर जाना है भाई,
लॉकडाउन है, सैलरी भी आज यार सैलरी कहां से देंगे यार, क्या यार सरकार पता नहीं यार, वो टैक्स भी है उस यार जीएसटी की लाइन है। अब ये मंत्र अगर हम भेजेंगे तो यूनिवर्स कहेगा भाई तथास्तु, क्योंकि यूनिवर्स के लिए फिर मैं बोल रहा हूँ ये सारी जो है ना ब्रह्म है, उसके लिए लॉस एंड फायदा, गुड हेल्थ बैड हेल्थ सब ब्रह्म है। वो तो कहता तथास्तु, वो कहता अच्छा परेशान रहना चाहता है तो परेशान रह के शांत रहेगा ना, ले परेशान हो जा तू बिल्कुल। तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा ये है तो बड़ी मुश्किल चीज, क्योंकि बचपन से मुझे बताते रहना सर टाइम कब हो जाएगा, टाइम है काफी है, चिंता नहीं करो आप, चिंता नहीं करो। तो क्या होता है कि अब हमारे साथ चैलेंज क्या है कि बचपन से हमें कभी भी किसी ने ये नहीं बताया है कि क्या करना चाहिए। बचपन से आप एक देखिए, मैं बहुत बार मैं आई एम एनिमल लवर, तो मैं बहुत बार देखता हूँ जानवर होते हैं ना, एंड वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम एनिमल्स, मैं इतनी चीजें सीखता हूँ। तो मैं एक बार जैसे एक जू में गया था तो मैं देखा एक बंदर और उसकी बंदरिया, बोलूंगा तो बड़ा अजीब सा लग रहा, बंदरिया और छोटा सा बच्चा जी बैठे हैं। वो छोटा सा बच्चा ना इतना बड़ा, मतलब वो इतना सा बच्चा है और मेरे को 3 फुट की दीवार है, वो 3 फुट की दीवार से ऊपर से नीचे कूद रहा है, नीचे से ऊपर कूद रहा है, कभी लटक गिर जाता है, कभी ऐसे गिर जाता है, कभी वैसे गिर जाता है, लेकिन अपने आप को बचा लेता है। माँ बाप ना मस्त है अपने, मस्त कोई उसे कुछ नहीं कर रहा, नहीं मत कर ये कर। अब यहीं पे अगर सपोज को एक ह्यूमन कपल हो, यहां मत जा वहां मत जा, ऐसे मत कर वहां मत देख ये मत देख, बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यही बताया जाता है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आज किसी और हम माँ बाप की भी गलती नहीं, किसी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम वही धरोहर लेके आए हैं, हमें जो धरोहर मिली है हमें पता वही धरोहर हमने आगे देनी है। तो कोई हमें कहाँ सिखा रहा है कि हमें बच्चों को कहना है तू क्या कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि अल्टीमेटली जैसे ही अच्छा बचपन में देखो बच्चों के साथ बहुत बड़े सपने होते हैं। अगर किसी बच्चे को पूछो ना कि 5 साल के बच्चे को पूछे तुझे क्या चाहिए, तो वो ना इतनी बड़ी लिस्ट दे देता है। और मैं चैलेंज करता हूं यहां पे जितने लोग हैं, मैं पूछूंगा यार 5 चीजें बता दो आपको क्या चाहिए, जो सबसे ज्यादा खुश सा लग रहे होंगे तो कहेंगे यार जो भी चाहिए ना मुझे मिल चुका है, ये बेस्ट आंसर होगा जी। अदरवाइज तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं, मतलब हम यही नहीं यार डिफाइन कर पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग यही कहेंगे यार अब क्या यार, अब 50 साल का हो गया यार, अब क्या अब जो है बच्चों के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है। We have stopped thinking for ourselves, और ये आज की डेट में 16-17 साल से ही हो जाता है, 16-17 साल जब जैसे वो अपने ना वो धीरे धीरे वो जो टीन एज में आके ऊपर पर जाने लगते हैं तभी से सबको समझ में आने लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। 16 साल के 17 साल के 20 साल के 25 साल के बच्चों को मैं काउंसिल करता हूँ, वो बच्चे कहते हैं कि they are depressed। क्यों डिप्रेस्ड है कि उनको पता ही नहीं है क्या चाहिए, क्योंकि वो जो भी चीज करना चाहते हैं उनके माँ बाप कह देते हैं ये तो हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता, तुम तो ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है कि जो वाइब्रेशंस आप देंगे वही चीज होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एस्केप वेलोसिटी, इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे आप पृथ्वी से ना किसी भी चीज को ब्रह्मांड में फेंक सकते हैं, और वो एस्केप वेलोसिटी का एक स्पीड वो लिमिट है। तो ऐसे ही जब आप अपने थॉट प्रोसेस को इतनी तेजी से भेजते हैं कि वो ब्रह्मांड से बाहर निकल जाए तो वो सत्य होके ही रहता है। हमें अब क्या करना है, हमें ये करना है कि ठीक है जो हो गया, दूध गिर गया तो गिर गया, आप दूध के लिए तो रोते नहीं रह सकते। तो जैसे अनिल जी ने कहा और जैसे ये वर्कशॉप्स होते हैं, जितने ज्यादा हम इस वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं, जितने ज्यादा अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जितने ज्यादा हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो होता क्या है, जैसे कहते हैं कि अगर एक ग्लास में गंदा पानी है तो तरीका एक ही है गंदे पानी को स्वच्छ पानी करने का, क्योंकि उसमें खूब अच्छा पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, कभी ना कभी टाइम आएगा जब वो सारा गंदा पानी बाहर चला जाएगा और उसके अंदर अच्छा पानी आ जाएगा। तो आज हम जहां पे भी हैं, जिस भी हालत में, जो भी हमारी वो है, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो, एक चीज मैं आपको कह सकता हूं, अगर आज से आप एक पत्थर फेंकना शुरू करें एंड रेगुलरली करें, 21 डेज में आपका वो हैबिट बन जाएगा, किसी भी चीज को आप करना लगेंगे, मैक्सिमम 21 डेज, कभी कभी तो 3-4 दिन में हैबिट हो जाता है। जैसे अगर आपको आपको अगर जॉगिंग करनी है सवेरे, अगर जल्दी उठना है, पहली बार बड़ी मुश्किल होगी, दूसरी बार फिर थोड़ी कम मुश्किल होगी, आप हफ्ते भर आपने अगर ये नियम बना लिया कि 5 बजे उठना है तो आपको धीरे धीरे 5 बजे नींद खुलने लग जाएगी, और 21 दिन के बाद अगर आप वॉकिंग पे नहीं गए तो तब आप परेशान होंगे, परेशान हो जाएगा कि आज मैं वॉकिंग में गया नहीं हूं, आज मैं सवेरे जल्दी उठा नहीं हूं। ठीक है ना, तो ये हैबिट है, 21 दिन तक आप कोई भी हैबिट बना लेंगे
90 डेज के अंदर उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जैसे ही वो 90 डेज में रिजल्ट आना शुरू होता है, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है और आप जहां पे भी हैं, अगर आज आपके, मैं कहता हूं कितने भी करोड़ों रुपए का आपके पास कर्जा हो, आपकी हेल्थ, आप अपनी कितनी गोलियां खा रहे हो, ठीक है, आपके रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो चुके हैं, कोई भी आपको नहीं, मतलब मैं बिल्कुल वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो, 5 साल मैक्सिमम 5 साल, आप 180 डिग्री, मतलब आप कहीं का कहीं, ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, 90 दिन में आपका काम शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल है हमारा ये ब्रेन, और इतना पावरफुल है। फिर क्या है, एक वैसे मैं बहुत बार बोलता हूं, मतलब बुरा मत मानना, हमें ना, मतलब ये सबके लिए, मेरे लिए भी है जी, हम ना सुअर हैं। मैं इसे पहले कह रहा था, बुरा मत मानना, सुअर को जितना मर्जी आप धो दो और छोड़ दो अच्छे पानी में, उसका कंफर्ट जोन जो है ना, वो गंदा पानी, वो गंदा पानी है। करेक्ट। हमारे साथ ना सिंपथी बड़ी कंफर्ट जोन है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हाय मैं पिट गया, और अरे कितना पिटियो, क्या हो गए बेटा, हमें वो चीज ना बड़ी कंफर्ट जोन है, अच्छी लगी, उसमें ना हमें कुछ करना नहीं पड़ता। लोगों की ना वो लेना, मतलब सिंपथी ले, तो कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि करने के लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है। अब रिस्पेक्ट के लिए तो आपको काम करना है, लेकिन सिंपथी के लिए काम नहीं करना, सिर्फ रोना रोना है। तो हम ना कहीं जितना मर्जी हम वर्कशॉप्स में चले जाएं ना, जैसे ही वर्कशॉप के बाहर निकलेंगे, इससे मैं तो सब कहेंगे यस यस यस, जैसे ही बाहर निकलेंगे, यार ये ना अरुण जी, अनिल जी, इन्हीं के बस की बात है, ये ना कुछ हमारे हमारा हालत देखो हमारी कितनी है यार, उस सवेरे अपने जीएसटी भरनी है, पता कहां से आएगी जीएसटी, मुझे क्या पता यार, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं गुजर चुका हूं इससे, ठीक बात है, मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूं, मैं भी अपने आप को उस सुअर कैटेगरी में डालता हूं, और आज भी बहुत बार हम गिरते हैं फिर उठते हैं फिर उठते हैं। ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे मैं इतना पॉजिटिव बातें बोल रहा हूँ तो मैं 24/7 पॉजिटिव रहता हूँ, नहीं 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 बहुत फेलियर्स होते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन बस एक ही चीज है, जील, नहीं उठ कर, बस कर एक बार और बस कर, और वही कर में ना आप कब के कब बदल जाते हो आपको नहीं पता लगता, कब आपकी वो हैबिट बन जाती है, ठीक है ना। सो जस्ट चेंज योर हैबिट्स, कुछ भी कोरोना वोरोना कोई कुछ नहीं, ऐसी पता नहीं कितनी और चीजें और आएंगी अगले 10, 20, 30 साल, 40 साल, पता नहीं किस किस की कितनी उम्र है, जितनी भी एज है उसमें बहुत सारी चीजें और आने लगी है, और ये कोरोना ने तो हमको प्रिपेयर कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, लोगों को इंट्रोस्पेक्शन मिल गया है, लोगों ने खर्चे बंद कर दिए हैं, लोगों ने खाने बंद कर दिए हैं, कितनी सारी करेक्शन होगी, अगर आप देखेंगे ना प्लस पॉइंट्स कितने सारे हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, बिल्कुल है, इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं, लोगों ने लोग मैं कहता हूं एक हवस हो गया था लोगों में खर्चा करने का, बिल्कुल है ना, वो सब कंट्रोल हो गया, आज की डेट में लोग 20,000-30,000 में गुजारा कर पा रहे हैं, फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। फिर मैं यहीं पे को एंड करना चाहूंगा कि ये जो है ना, ये हमारा ये बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है। और एक चीज और देखना, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी ना, आपका थॉट मैनिफेस्ट फास्ट होने लगेगा, बिल्कुल इतनी फास्ट होने लगेगा कि बहुत बार आप सरप्राइज हो जाओगे, यार अभी सोचा था ये कैसे गया। और हमेशा याद देखना, ये होगा डायरेक्टली नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे से एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे अगर आज मुझे लगा कि यार मुझे ना साग खाने का मन कर रहा है, और मैं बड़े जोर से, मैंने कहा साग खाने का मन कर रहा है, और मैं अनिल नायर जी के घर गया, आपको हैरानी होगी, अनिल नायर जी कहेंगे अरे बड़े सही टाइम पे आए हो यार, भाभी जी ने साग बनाया है, साग बना हुआ है आज, और मैं बैठा सोचूंगा वाह भगवान वाह कर दिया पूरा। ऐसे होने लगेगा, बिकॉज ये यूनिवर्स ना पूरा कनेक्टेड है। करेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन थॉट प्रोसेस पे अपने वर्क कीजिए सब जी। थैंक यू अरुण जी। जिस तरह अरुण जी ने अभी बताया कि थॉट पर काम करना मुश्किल नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैं ये बात कहता भी हूँ और सिखाता भी हूँ
कि ध्यान मेडिटेशन से आसान कोई चीज नहीं है। हम सब लोग जितने लोग भी प्रोग्राम में हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, आप ड्राइविंग ध्यान से ही करते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो लेडीज जो घर में हमारी माताएं बहने जो खाना बनाती हैं, किचन में भी आप ध्यान से ही खाना बनता है, तो ध्यान मुश्किल नहीं है, ध्यान बहुत आसान है। आप अगर नृत्य भी करते हैं, डांस भी करते हैं, तो वो भी ध्यान है। आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी अगर बजा रहे हैं तो वो भी मेडिटेशन है। कोई भी काम जो लगन और मगन होकर किया जाए वो ध्यान कहलाता है। सो इसलिए जब आप उन चीजों की तरफ डाइवर्ट होंगे तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट होगा, और वो जो नया क्रिएट होगा वो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और जब आप उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं पूरी तरह, तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी, क्योंकि आपका ऑरा और आपकी एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज हो चुका है, तो किसी भी तरह का नेगेटिव वाइब्रेशन या वायरस या कोई बैक्टीरिया आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉजिटिव एनर्जी एरिया को इंक्रीज करें, रिजल्ट हाथों हाथ मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अरुण जी ने भी कहा कि जब आप रेगुलर उस टॉपिक पे काम करने लगते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके मुंह से वर्ड्स निकले और वो सच हो जाते हैं। मेरा पर्सनल बहुत सारे, अरुण जी ने जैसे कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस बहुत सारे लिए हैं, तभी आज हम उन बातों को कह रहे हैं, कर रहे हैं और दुनिया को सिखा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज के हमारे इस 9th एपिसोड में। अगर हम में से कोई पार्टिसिपेंट जो है अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, कुछ कहना चाहें तो, एनीवन। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोग थर्सडे हमारा रहेगा, नॉर्मली हम थर्सडे और संडे को ही अपना एक सेशन रखते हैं, तो नेक्स्ट सेशन हमारा जो 10th एपिसोड है वो थर्सडे को रहेगा। और जून, अगले महीने की 13 जून संडे से हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म, नया सब्जेक्ट के साथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत की बात सुनाता हूं, जिसमें देश के अंदर चल रही परिस्थितियां और बहुत कुछ चीजें जो हमारे सामने आती हैं या नहीं आती, उन सबको लाने का प्रयास रहेगा। कोई भी ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी आप चाहें इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इसी तरह का लाइव शो रहेगा, जिस पर कोशिश यही रहेगी कि ओपन प्लेटफॉर्म है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। हर बार एक नया विषय, कुल मिलाकर विषय भारत की बात सुनाता हूं, देश की ही बात करेंगे। और भारत पहले विश्वगुरु था, अब भी है और आगे भी होगा, हम केवल अपने देश की बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू।